नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के कुरबाई में सुप्रीम एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक ने 40 सैनिटाइजर मशीन बनाई है। आपको बता दें कि सुप्रीम एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक मुमताज अहमद खान ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अपनी ओर से एक अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी मारुति वैन में 2 टंकी पानी रखकर 1 चंद सैनिटाइजर मोबाइल वैन बनाकर प्रशासन को दी है, जिसमें उन्होंने 1 पानी की टंकी में सैनिटाइजर भरा है, वहीं दूसरे में शुद्ध पानी। इसमें इन्होंने 4 टोटियां लगाई हैं, जिसमें से 2 टोटी में से सैनिटाइजर और 2 टोटी में से पानी निकलेगा। इस बारे में उनका कहना है कि लोग जब सब्जी खरीदते हैं तो वह पहले अपने हाथ सैनिटाइजर और पानी से धोएं, फिर सब्जी वगैरह खरीदें। उसके बाद उन्होंने सब्जी धोने की व्यवस्था भी उसमें की है। मुमताज अहमद ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते बार बार लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उसी को ध्यान में रखकर मैंने ये कार्य किया है। इस काम के लिए मेरे द्वारा शासकीय चिकित्सक एवं नगर परिषद के मार्गदर्शन में 25 लीटर पानी में ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजन पराक्साइड, डेटॉल एवं घड़ी साबुन मिलाकर सैनिटाइजर तैयार किया गया है। वहीं पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और हाइड्रोजन पराक्साइड मिलाया गया है, जिससे कि लोग अपनी सब्जियां धोकर घर में ले जा सके। उन्होंने बताया कि यह अनोखी पहल मैंने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से की है। वह बार बार अपने हाथ धोएं और अपने आप को और समाज को इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। वहीं इस बारे में अनुविभागीय अधिकारी गोपाल वर्मा ने बताया कि सुप्रीम एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक मुमताज अहमद खान द्वारा सैनिटाइजर मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है। ये रोज हमें उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें सैनिटाइजर और शुद्ध पानी रखा जाता है। हम इस वैन को सब्जी बाजार में रखेंगे और इस पर एक नगर परिषद का कर्मचारी भी तैनात करेंगे, ताकि लोग बाजार में सब्जी लेने आएं तो पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें और सब्जी लेकर सब्जी को भी शुद्ध करके अपने घर ले जाएं। हमें नगर परिषद के पास खड़ा करेंगे कि कोई व्यक्ति अपने जरूरी काम से अगर आता है तो अपने हाथ धोए फिर अपना काम करें। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। कुरवाई नगर के श्री मुमताज जी द्वारा, जो सुप्रीम एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर हैं, उनके द्वारा ये एक सैनिटाइजर मशीन दी गई है, जिसमें सैनिटाइजर प्लस शुद्ध पानी से हाथ धोने और सब्जी धोने की व्यवस्था है। आपके द्वारा रोज इसकी सप्लाई हमको की जाएगी। हम सब्जी बाज़ार के पास इसको रखेंगे जब जनता आती है, और नगर पालिका के पास इसको रखवा कर इसमें एक कर्मचारी भी साथ में लगाएंगे, और जो लोग सब्जी लेकर के सीधे अपने घर चले जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसमें सब्जी धो करके शुद्ध करके और अपने घर लेकर के जाएंगे। और बाज़ार में आने वाले जो लोग हैं, अपनी अनिवार्य आवश्यकता के लिए आ रहे हैं, इधर उधर हाथ लगता है तो सैनिटाइज करके अपना हाथ धोएंगे। इसको नगरवासियों के लिए इस मशीन को हम उपयोग में लाएंगे। जो कोरोना वायरस है उसमें सबसे मेन चीज़ है कि हाथों को जो है ना साफ़ सफाई होना चाहिए, और जिस चीज़ को हम छू रहे हैं उससे पहले भी हमारे हाथ साफ़ होना चाहिए। उसी को मैंने आधार बनाते हुए आज जो है ना मैंने ये सैनिटाइज़र मोबाइल वैन बनाया है। इसमें हर व्यक्ति जो है ना किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले अपना हाथ को सैनिटाइज़ करे, उसके बाद सिंपल पानी से भी धोए, और फिर अगर सब्ज़ी ले रहा है तो वो सब्ज़ी को भी सैनिटाइज़ करे। दुकान वालों से मेरा ये अनुरोध है कि वो कृपया जो है ना जब ये वैन जो है ना वहाँ सामने खड़ी हो तो वो उनको हर कस्टमर के लिए प्रेरित करें कि कृपया जो है ना आप हाथ को जो है ना सैनिटाइज़ करके आएँ और अपनी सामान को ख़रीदें।